नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में आज का डेट है नाइनटीन ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज है यहाँ पर दोस्तों पी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ रहेगा वहां से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं अली आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट नए ब्रांच हमारे भद्रा एस अकेडमी का गुवाहाटी के भांगाघर रीजन में खुल रहा है तो आप लोगों में से ऐसे कोई भी अगर है जो भांगाघर घर के आजू बाजू है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं वो वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन मध्रा एस अकेडमी सो दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन टू दिस ब्रांच एंड दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स फॉर एनी शॉर्ट ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम चलिए आसाम ट्रिब्यून अगर आप एडिटोरियल का पेज उठा लीजिएगा आसाम ट्रिब्यून का एक बहुत बड़ा वाला जो एडिटोरियल होता है उसमें बैम्बू के कमर्शियलाइजेशन के बारे में चर्चा की गई है और दो कंट्रीज़ को यहाँ पे फोकस दिया गया है एक है चाइना और एक है इंडिया कहा जा रहा है दैट चाइना अगर अभी देख लीजिएगा दुनिया में ग्लोबल सुपर पावर के बैठी हुई है इन द सेक्टर ऑफ बैंब इकोनॉमी इनफैक्ट अगर बैंबो इकोनॉमी कमर्शलाइजेशन की बात करें 83 थ्री परसेंट ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट जो है ना जो दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड मार्केट में सप्लाई होती है वह चाइना के द्वारा किया जाता है चाइना कहा जा रहा है अगर बैंबू कल्टीवेशन देख लीजिए चाइना में मात्र मिलियन हेक्टेयर के लैंड में फैला हुआ है बट वहीं पर इंडिया में देख लीजिएगा ये फोर्टीन मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ है तो आप खुद सोचिए प्रोपोर्शन वाइज क्या इंडिया में ज्यादा है एप्सोल्यूटली बट हम अभी भी चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं तो क्या हम जो चाइना ने फूड स्टेप फॉलो किया है क्या वही फूड स्टेप फॉलो कर सकते हैं एप्सल्यूटली देखो अच्छे चीज को कॉपी करना इज नॉट बैड थिंग ना राइट सो वी कैन डू इट लाइक फॉर एग्जाम्पल क्यों ना हम लोग बैम्बू प्रोडक्ट्स का कमर्शलाइजेशन करें क्यों ना पहले अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों तक बैम्बू प्रोडक्ट्स के रिलेटेड दैट आप अगर बैम्बू प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो सोचो ना एक टूथब्रश आता है जो क्या प्लास्टिक का बना हुआ रहता है और एक टूथब्रश आता है जो कि बैम्बू का बना हुआ रहता है राइट right? वो जो हैंडल जिसको हम लोग पकड़ते हैं तो आप खुद सोचो बैम्बू इज बायोडिग्रेडेबल ना तो अगर लोगों को पता ही नहीं है बैम्बू के टूथब्रश के बारे में देन हाउ विल दे परचेज दैट राइट तो वही चीज है बोला जा रहा मल्टी पार्टी पार्टिसिपेटिव अप्रोच करना पड़ेगा जहां पर लोकल कम्युनिटीज को तो इन्वॉल्व करनी ही पड़ेगी फार्मर्स एंटरप्रनोर साइंटिस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर सबको इन्वॉल्व करके पॉलिसी बनाना पड़ेगा और जो भी पॉलिसीज बने मेक श्योर दैट वो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बने ऐसे पॉलिसीज होनी चाहिए जो क्या इन्वेस्टर्स In को अट्रैक्ट करे बाहर से इनफैक्ट प्रॉफिट्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और कमर्शलाइज करना पड़ेगा नेशंस का बैम्बू इकोनॉमी को इनफैक्ट नेसेंट uh, जो बेनिफिट मतलब uh, अभी 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 क्या है ना दैट पहले बैम्बू को एज अ ट्री कैटेगराइजेशन किया जाता था बट अभी उसको एज अ ग्रास कैटेगराइजेशन किया जाता है तो देखो अब ये कैटेगराइजेशन में चेंज जो हुआ है वो इनिशियल स्टेज में ही है तो क्या हम इस इनिशियल स्टेज का फायदा उठा सकते हैं इन द ग्रोथ ऑफ बैम्बू इंडस्ट्री अगर उठा सकते हैं तो कैसे उठा सकते हैं दैट इज वॉट आवर पॉलिसी मेकर्स नीड टू पॉन्डर अपॉन हमें बैम्बू रिसोर्सेज को सर्कुलर मैनर पे रोटेट करना पड़ेगा जैसे सोचो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो वेस्टेज क्रिएट हुआ ना बैम्बू का उस वेस्टेज को हम लोग क्यों ना कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने में लगा दे समझ रहे हो बात तो इससे जो है यू नो डबल फायदा हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ है देवदानी फेस्टिवल एक एक्चुअली आपका जाकर एक पिक्चर दिया हुआ था वहां पे लिखा हुआ था देवदानी फेस्टिवल जो क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है तो जी एस वाना साम कल्चर से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं देवदानी फेस्टिवल में एक रिचुअल प्रोवाइड किया जाता है और उस रिचुअलिस्टिक डांस भी परफॉर्म किए जाते हैं उस डांस को परफॉर्म किया जाता है इन द ऑनर ऑफ सर्पेंट गॉडेस मनसा मनसा पूजा जो हम लोग बोलते हैं ठीक है और ये डांस डिपिक करता है प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग देवी मनसा मनसा भगवान को कैसे हम लोग पूजा करते हैं इस डांस मतलब जो डांसर्स होते हैं वो मैकला शादर पहनते हैं लेडीज़ जो है ये रेड ब्लाउज पहनती हैं एंड दे ड्रेस कंबिनेशन अलोंग विद द ट्रेडिशनल ज्वेलरीज ऑफ असम एज वेल जब ये डांस करती हैं तो डांस में जो बाल होते हैं ना लेडीज का बाल पूरा एकदम खुला हुआ रहता है ठीक है और डांस कैसे किया जाता है एक ट्यून बजता है जैदोल और खुती ताल जो सिंबल होता है ना है ना दो इस टाइप के जो लगे हुए रहते हैं उसको बजाना पड़ता है उसको सिंबल कहते हैं ठीक है ठीके? और जैदोल होता है एक परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है एनी ये सब जब बजता है इसी के ताल पर अल्टीमेटली डांसर्स जो है यह डांस करते हैं डांसर्स रोटेटिंग दर हेड इन ए रैपिड सर्क्यूलर मोशन जिसके तहत एक स्ट्राइकिंग मोमेंट हमें देखने को मिलता है इस डांस में परफॉर्म किया जाता है सोलो में तो परफॉर्म किया ही जाता है बट बहुत समय ग्रुप में भी परफॉर्म किया जाता है जिसमें तीन से चार महिलाएं एक साथ आकर डांस करती हैं हैं इसमें एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते असम ट्रिब्यून का न्यूज था शिशु माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम देखो एक इंग्लिश एक्शस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यह जिसको स्पॉन्सर किया जाता है बाई यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था सन दो में ठीक है जिसमें फाउंडेशनल इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स प्रोवाइड की जाती है वैसे बच्चों को जो क्या तेरह से बीस साल के बीच में है और जो क्या वैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो क्या इकोनॉमिकली डिसडवाटेज सेक्शन से तो इन बच्चों को इंग्लिश में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है इससे उनका क्या होता है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है वो ज़्यादा इन्हांस होता है जिससे वो बेटर जॉब्स और बेटर एडुकेशनल प्रॉस्पेक्ट्स के आगे में बढ़ सकते हैं भरत भूषण देव ये आने वाले एपीएससी के नए चेयरमैन होने वाले हैं तो इसी के बारे में एक पर्सन इन न्यूज था तो आई थॉट ऑफ मेंशनिंग इट यू नेवर नो कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सेंटर वर्सेस स्टेट टसल ओवर आईएएस पोस्टिंग देखो एक्चुअली एक रिपोर्ट आया है जिसके तहत पाया गया है दैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स जो है ना जो क्या स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं आ, तो यू नो दे देर कमिंग फॉरवर्ड टू ऑफ फॉर्ड टेनि विथ सेंटर कुछ कुछ रीजंस इसके दिए हुए हैं कुछ कुछ रीजन जैसे ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे जैसे पहले तो ये देख लेते हैं एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस टू के टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं नाउ एक बहुत बड़ा रीजन इनका का काम करने का वह है लॉन्ग आवर ऑफ वर्क मतलब ये वाला मेन पॉइंट आपको समझना पड़ेगा दैट आई एस वर्कर्स जो सेंटर के साथ काम करना चाहते हैं थे वो घट रहे हैं दिनों दिन वही पर लिखा हुआ है इट इज रिपोर्टेड दैट फ्यूअर आई एस ऑफिसर्स आर ऑप्टिंग फॉर टिनियोर विथ सेंटर क्यों भाई उनको स्टेट के साथ क्या काम करने में इतना मजा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल नहीं मजा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो उनको अपॉइंट करती है पैसे देती है तो फिर ऐसा क्यों कुछ कुछ रीजंस बताया गया है पहला है लॉन्ग आवर्ड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है सेंटर के साथ जब काम करते हैं तो एक्स्ट्रा कॉशन के साथ काम करना पड़ता है कभी कभी तो इतना ज़्यादा यू नो सेंसिटिव सेंसिटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं उसको हैंडल करना पड़ता है आप खुद सोचो एक टेंशन होता है ना भाई वो रिपोर्ट हैंडल करना थोड़ा भी अगर कुछ गलती आ जाए तो फिर यू नो लेने का देनी पड़ सकता है बहुत समय तो उनको प्राइम मिनिस्टर के पास जाके सीधा डील करना पड़ता है फ्यूअर कंफर्ट देन वॉट इज अवेलेबल इन द स्टेट गवर्नमेंट जी हाँ स्टेट गवर्नमेंट में जितना कंफर्ट होता है ना उससे भी रिस्पेक्टिवली कम ही है द इज टू ऑपरेट फार अवे फ्रॉम वंस नेटिव स्टेट है ना बहुत समय ऐसा होता है ना दैट सोचो आप आसाम के हो ठीक है तो आपको आसाम में काम करने में, में मजा आएगा ना आप क्यों जाओगे दिल्ली है ना तो वही ना नेटिव स्टेट का भी एक वो जो होता है है ना एक काम करता है आई एस अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो अनडाउटेडली यूपीएससी ही एनुअल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है सिलेक्शन के लिए है ना और डेप्यूटेशन जो दी जाती है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है दैट इज सेंटर ही बोलती है दैट हाँ कौन से स्टेट कैडर में आप इंक्लूड होेंगे ठीक है देयर फॉर दे स्पेंड मोर ऑफ देयर करियर इन दोज स्टेट्स ओनली ठीक है राधर देन सेंटर्स हाँ कभी कभी सेंटर में भी डिप्यूटेशन जाना पड़ता है उनको बट हाँ ज्यादातर स्टेट्स में ही काम करता है और देखो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट मतलब बाई चांस अगर रेस्ट मतलब उनको सस्पेंड किया जाना लगा या फिर ट्रांसफर uh, कर दिया जाए तो वो स्टेट गवर्नमेंट करती है मतलब डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है बट ओवरऑल कंट्रोल लेकिन सेंटर के पास ही है इनका भी ठीक है चलो डेटा अपॉर्चुनिटी एट जी ट्वेंटी देखो डेटा लोकलाइजेशन अभी के समय में देखा जा रहा है सन 2017 से 2021 के बीच में अगर देख लीजिएगा डेटा लोकलाइजेशन कहा जा रहा है मोर देन डबल हो चुका है जीएसटू के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जी ट्वेंटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी ठीक है ना सवाल होता है दैट ये जो डेटा के ऊपर रेगुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है दुनिया भर में हम देख रहे हैं जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जाम्पल लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स में एक पॉलिसी लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं एंटी ट्रस्ट पॉलिसी है ये ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा लाया गया है जिसके तहत प्रोमोट किया जा सक, जाता है कॉम्पिटिशन इन द अमेरिकन इकोनॉमी दैट पुस्ट फॉर यूज ऑफ एंटी ट्रस्ट पॉलिसीज टू मीट द चैलेंजेस पोस्ड बाई राइज ऑफ डोमेंट प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक जैसे गूगल अब वो लोग डोमिनेंट प्लेटफॉर्म है ना तो वो लोग पता है बहुत बिजनेस को गंदे तरीके से फायदा उठाता है बिजनेस का पूरा फायदा उठाता है ठीक है तो उसी एंटी ट्रस्ट पॉलिसी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है वैसे ही यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स ने भी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है डिजिटल रूल्स दैट प्लेस इंडिविजुअल यूजर्स एज सेंट्रल स्टेज और इंश्योर करती है दैट हर एक इंडिविजुअल यूजर्स का जो डेटा है वो सिक्योर्ड रहे ईयू यूरोपियन यूनियन वो मेक श्योर sure करती है दैट एक सिंगल डेटा मार्केट हो उनके डेटा पॉलिसी सिक्योरिटी के पॉलिसी के तहत राइट right? और उसके तहत जो भी उनके लोगों का डेटा है ना वो आई I मीन mean, उनका जो डायरेक्ट uh, हक हो वो पहले तो यू गवर्नमेंट के पास हो मतलब यूरोपियन यूनियन के पास हो उनके डेटा यू नो पॉलिसीज के तहत ठीक है तो ये हमें समझना पड़ेगा ना सवाल ये भी होता है दैट अभी जो डेटा गवर्नेंस में जी ट्वेंटी कंट्रीज एक साथ में आ रही है तो इससे फायदा क्या हो रहा है पहली बात तो देखो जी ट्वेंटी मतलब टॉप टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड ठीक है तो टॉप टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड अगर एक साथ आएंगी तो क्या हम बोल रहे हैं दैट हाँ दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमीज का पोजिशन कहीं ना कहीं एक ही है अगर सोचो ना इनके द्वारा अगर कुछ डिसीजन लिया गया इसका मतलब क्या हम लोग बोलेंगे दैट अरे दुनिया की मेजोरिटी यही चाहती है क्योंकि जब बड़े बड़े इकोनॉमीज ये चाहते हैं तो ऑफकोर्स ये होगा ही लेजिटिसी ऑफ जी ट्वेंटी कहा जा रहा है दैट जी ट्वेंटी का लेजिटमेसी अगर देख लीजिएगा तो अनडाउटेडली बहुत ज्यादा है क्योंकि टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज यहां पे टॉप ट्वेंटी डिजिटल इकोनॉमीज बोलेंगे तो जब टॉप ट्वेंटी डिजिटल इकोनॉमी बात कर रही है डेटा के सिक्योरिटी के रिलेटेड सो ऑफकोर्स दैट इज गिवन मच मोर वेटेज बट इसमें एक चीज जरूर देखना पड़ेगा हमें मतलब इससे कोई बाइंडिंग नहीं है ना देट अगर जी ट्वेंटी का मेंबर हो तो आपको यह रूल अपनाना ही पड़ेगा नो no, नो no, नो no. ये एस सच बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है इंडिया का पोजिशन अगर डेटा गवर्नेस में देख लीजिएगा अनडाउटेडली हम लोग भी डेटा प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा यू you नो know, महत्व देते हैं इनफैक्ट गवर्नेंस ऑफ नॉन पर्सनल डेटा पर्सनल डेटा के अगर मुताबिक देख लीजिएगा तो इंडिया ने यू नो you know, प्रेफरेंस यही दिया है दैट हाँ इंडिया का डेटा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके इसलिए तो हम लोग डेटा लोकलाइजेशन को प्रमोट करते हैं ना जिससे बाई चांस सोचिए अगर बाहर की कंपनीज अगर इंडिया में बिजनेस कर रही है तो आप जो हमारे लोगों का डेटा ले रहे हो ना तो वो हमारे देश के सर्वर में ही रखो जिससे कल को अगर हमें उस डेटा का जरूरत पड़े तो हम लोग उस डेटा का इस्तेमाल प्रॉपरली कर सकते हैं समझ लो वो आप बाहर के सर्वर में नहीं ले जा सकते हो अगर आपको बिजनेस करना है हमारे देश में तो ऐसा करो मानना पड़ेगा आपको काम समझ लो बात नाक्स जी ट्वेंटी क्या है ये एक मीटिंग ऑफ ऑफ लीडर्स है द कंट्रीज जो कि लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है पता है पहले ये जी ट्वेंटी नहीं था एक्चुअली जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ना तब यह महसूस किया गया था नहीं भैया दुनिया का जो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज है उनको एक साथ लाना पड़ेगा और उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा इसीलिए इट्स मेंबर्स अकाउंट फॉर अराउंड 85 परसेंट ऑफ वर्ल्ड जीडीपी डी पी आर टू थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन इनफैक्ट जी ट्वेंटी समिट जो है इसको फॉर्मली बोला भी जाता है एज अ समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी कौन कौन है जी ट्वेंटी कंट्रीज में ये देखो सारे कंट्रीज है जी सेवन के देखो कौन कौन कंट्रीज है ठीक है देख लो ना प्रॉपरली जी एट पहले जी एट था अभी वो जी सेवन हो चुका है ठीक है उसमें रशिया भी है और जी ट्वेंटी मतलब इन टोटल ये सारे कंट्रीज जी सेवन तो है ही रशिया भी है और बाकी जो ये कंट्रीज आप देख रहे हैं प्रॉपरली देख लीजिएगा दोस्तों एक एक कंट्री देख लीजिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो ध्यान देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उड़ान स्कीम ना उड़ान स्कीम 2017 को लॉन्च किया गया था पता है अभी जो है 2022 चल रहा है पाँच साल इसका खत्म हो गया है ठीक है तो मेन मतलब मेनली हम लोग देखेंगे उड़ान का मेन एम क्या था तो अनडाउटेडली टायर टू सिटीज टायर थ्री सिटीज़ में जो एयर कनेक्टिविटी थी बहुत कम थी राइट बट उड़ान स्कीम के थ्रू ये एयर कनेक्टिविटी को और भी इन्हांस किया गया इन टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज जिसके तहत लोगों को भी अफोर्डेबल रेट्स में एयर टिकट्स प्रोवाइड किए जाने लगे इन जो भी उड़ान स्कीम के अंदर फ्लाइट होती है ना उसमें अराउंड हाफ ऑफ द टिकट्स आर अन सब्सिडाइज फेयर रेट्स जिसमें सरकार भी कुछ पैसे देती है एंड इट इज ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स पीरियड फंडिंग कहाँ से आती है स्कीम्स विल बी ज्वाइंटली फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट तलाके हसन के बारे में न्यूज है दोस्तों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कमेंट किया था तलाक हसन जो है वो एस सच इम्प्रॉपर नहीं है ये कंटिन्यू हो सकता है तो सवाल होता है क्यों ये न्यूज में था क्योंकि एक पी आई एल फाइल किया गया था टू मेक द प्रिस्क्राइब इस्लामिक वे ऑफ डाइवोर्स तलाक हसन अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है तलाके हसन से जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना जिसमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, 25 है तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है इनफैक्ट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको हम लोग तलाक के बिद्दत बोलते हैं उसको लेकिन पहले ही 2019 में ही बैन किया गया था जिसमें पहले नहीं बोलते थे तलाक 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 जहाँ डाइवोर्स हो गया फेसबुक में लिखते थे तलाक 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 व्हाट्सएप uh, में लिखते थे तलाक 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 डाइवर्स खत्म ऐसा थोड़ा ना होता है तलाक है ना तो इसीलिए 2019 में बैन कर दिया गया इसको मतलब इंडिया में जो है अगर इस टाइप का कोई भी यूज करके तलाक दे रहा है तो उसको इनफैक्ट सजा दिया जाएगा कानूनन है ना नाउ ऑफ़ तलाक कितने होते हैं देखो तलाक जो है ना ऐसे एक होता है इरिवोकेबल तलाक है ना जिसको तलाक बिद्दत कहते हैं एक है रिवोकेबल तलाक मतलब एक बार इसमें अगर तलाक दे दिया तो खत्म तलाक हो गया बट इसमें अगर तलाक दिया ना इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसीलिए इसको यू नो रिवोक किया जा सकता है मतलब बाई चांस अगर एक तलाक दे दिया एक महीने में दूसरा तलाक दूसरा महीने में देंगे तो दूसरा तब तक अगर पैचअप हो गया तो कोई बात नहीं ठीक है सो so, ये दो टाइप के होते हैं तलाक एहसान और तलाक ए हसन है ना अभी जो इशू था ये तलाक ए हसन में था ठीक है जिसमें अ मुस्लिम मैन कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय अटरिंग तलाक वंस एवरी मंथ फॉर थ्री मंथ्स मतलब सोचो अभी अगस्त है अगस्त में एक तलाक दिया सितंबर में एक तलाक दिया अक्टूबर में एक तलाक दिया ठीक है तो इस टाइप से अगर तलाक दे रहे हो तो सही है क्योंकि ऑफ कोर्स यस वेरियस मुस्लिम कंट्रीज भी अगर देख लीजिएगा तो ये लीगली वैलिड है सब जगह एंड दिस इज वेरी मच फाइन एज वेल ठीक है चलो ठीक है टाइम मिलता है आराम से तलाक तलाक दो ठीक है एक है तलाक है हसन जिसमें अ सिंगल रिवोकेबल डाइवर्स इज मेड अनलाइक मल्टीपल प्रोनाउंसमेंट यूजिंग ट्रिपल तलाक नेक्स्ट अ वोमेन हैज टू गो थ्रू इदत अ वेटिंग पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स तीन महीने का उनको वेटिंग पीरियड हो, होना पड़ेगा उसके बीच में अगर पैचअप हो जाए तब तो ठीक है अदरवाइज दैट इज तलाक राइट वैसे ही नेक्स्ट पीआईबी का न्यूज है दोस्तों अर्थ गंगा के रिलेटेड जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अनवील किया एक नया इनिशिएटिव अंडर अर्थ गंगा अर्थ गंगा इसका मेन एम है दैट प्रोमोट किया जा सके इकोनॉमिक एक। एक्टिविटीज अलोंग द गंगा रिवर अब देखो अर्थ गंगा तो यह है एक है अर्थ ब्रह्मपुत्रा ठीक है उसमें ब्रह्मपुत्र के रिवर के अलोंग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा समझ रहे हो बात तो इस इनिशिएटिव के अंदर और भी इनिशिएटिव है जैसे ज, जलज इनिशिएटिव है ना सहाकार भारती आई एम अवतार न्यू कोर्स ऑन रिवर चैंप ऑन सीएलएपी तो अगेन ये सब कुछ कुछ फैक्चुअल डेटा है दोस्तों ये सब क्या डिस्कस करो नवमी गंगा के बारे में डायरेक्टली आ जाता है दैट वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो ऐसे इसको लॉन्च किया गया था 2014 में इसके दो ऑब्जेक्टिव थे एक तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना और जो नेशनल रिवर गंगा है उसको कंजर्व और रीज्यूवनेट करना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है ये प्रोग्राम और इसको सपोर्ट भी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग सेंट्रली फंडेड है और ये नॉन लैपसेबल कॉर्पस है मतलब ऐसा नहीं दैट इस साल अगर फंड अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये फंड लैप्स कर जाएगा ना 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 उसी को सेकेंड साल में भी इस्तेमाल करेंगे ठीक है मेन पिलर अगर देख लीजिएगा नमामि गंगा प्रोग्राम का वो है सिवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर सरफेस क्लीनिंग एफॉरेस्टेशन उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग गंगा आ, गंगा ग्राम पब्लिक अवेयरनेस बायोडावर्सिटी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट तो ये सारे एक्टिविटीज़ है जो उसके अंदर किए जाएंगे पेस्टिसाइड्स के, जाएं। के रिलेटेड न्यूज़ है एक्चुअली क्या है ना दोस्तों पेस्टिसाइड्स एक्शन नेटवर्क ने रिपोर्ट किया है दैट बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो क्या अभी भी पेस्टिसाइड्स को रिकमेंडेड अमाउंट से हद से ज़्यादा यूज कर रहे हैं ना कौन से पेस्टिसाइड्स के बारे में बात किया जा रहा है ये कुछ कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं दोस्तों जिनके बारे में बात किया जा रहा है देख लीजिएगा दैट ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वीडियो को पॉज करके ठीक है रिकमेंडेशन ऑफ अनुपम वर्मा कमेटी एक रिपोर्ट बनाया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर के द्वारा जिसके तहत नोटिफाई किया गया था कुछ कुछ पेस्टिसाइडर प्रोहिबिशन ऑर्डर जिसके तहत 18 पेस्टिसाइड्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया था पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क क्या है पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल कॉलेशन है ऑफ सिक्स हंड्रेड सिटीजन ग्रुप और साठ कंट्रीज से इंडिविजुअल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जो क्या अपोज करते हैं पेस्टिसाइड्स के यूजेज को और एडवोकेट करते हैं ऐसे इसके ऑल्टरनेटिव जो क्या इकोलॉजिकली साउंड हो ठीक है तो इससे क्या फायदा होगा दैट इकोलॉजी का जो नेगेटिव नुकसान पहुंचता है ना वो कम से कम होगा

बट कंपोस्टेबल प्लास्टिक अगर हो जाए तो वो रिन्यूएबल मटेरियल भी है और उसको बहुत सारे इनसे बनाया भी जाता है ठीक है तो एनी ये तो जस्ट है और इसी के रिलेटेड दोस्तों कुछ कुछ स्कीम्स भी हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा जैसे एक है निधि विच स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन इसके तहत से सेटअप किए जाएंगे सीड फंड्स लग जुगाड़ किए जाएंगे और एक्सिलेटर्स एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के आधार पर यह चलता है प्रयास प्रोमोटिंग एंड एक्सिलेटिंग यूथ एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप ये अंडर द निधि स्कीम हम लोग बेसिकली इसको देखते हैं ठीक है एंड इट स्टैंड फॉर सपोर्टिंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेनोर्स विथ प्रयास ग्रांट्स टू डेवलप प्रोटोटाइप्स ठीक है तो एनी uh, मतलब ये तो जस्ट एक ही चीज़ है यार और क्या बोलोगे मतलब निधि स्कीम के अंडर ही इसको प्रमोट किया जाता है ठीक है क्या बोलूँ मैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्लास्टिक्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो वेरियस टाइप्स ऑफ होती है और ये देखो ये जो है ना यही सब आपके पेपर में आएगा प्रीलिम्स में सीधा बोल देगा बायो क्या है ठीक है ठीक आपको चार ऑप्शंस दे सकता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है जो कि बिल्कुल डिग्रेड कर जाता है अंडर द एम बी ये सब ना थोड़ा थोड़ा चीज को अच्छे से देखना कंपोस्टेबल प्लास्टिक जिसके हम लोगों ने बारे में अभी बात किया ऑक्सोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है जिसके तहत एक एडिटिव मिलाया जाता है जो क्या अल्टीमेटली खुद ब खुद ब्रेक डाउन कर देता है

रेक्टरिस्टिक्स अगर देख लोगे नॉर्मल कोल से इसकी कीमत ज्यादा होती है अब कोल से ज्यादा होती है बट साथ ही साथ एनर्जी भी जो है ना रिलीज जो करती है वो जब बर्न इसको किया जाता है बहुत ज्यादा एनर्जी करती है जनरली इट इज नॉट यूज एज फ्यूअल क्यों क्योंकि यहां पे टॉक्सिक एमिशन भी बहुत ज्यादा होता है बट इसको सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्यों क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड जो इससे इमिशन होती है ना वो लाइमस्टोन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है यूज यूज ऑफ कोर्स जैसे मैंने इंडस्ट्री इंडस्ट्री लाइम में हम लोग यूज करते हैं प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया था यूज ऑफ पेटकोक एनसीआर दिल्ली में बट अभी जो न्यूज है वो यह है दैट इंडिया जो है रिसीव कर रही है पहला एवर कार्गो फ्रॉम वेनेजला रिगार्डिंग पेट कोक ठीक है नेक्स्ट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ई सी एल जी एस ना ई सी एल जी एस के बारे में अगर पूरा बात करें तो देखो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था ना उसके बाद जो हमारी एमएसएमई सेक्टर हो थी वो बिल्कुल चरमरा गई थी है ना इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करने के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा स्कीम्स स्कीम लाया था जिसके अंडर एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी था जिसके तहत मेजरली जो एमएसएमई डिस्ट्रेस फेस कर रहे थे उससे डू अवे करने के लिए ये स्कीम्स लाया गया था जिससे प्रोवाइड किया जाता है फुल्ली गारंटेड एंड कोलैटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट टू एम बिजनेस एंटरप्राइजेस मुद्रा बोरोस एज वेल एज इंडिविजुअल लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस है ना तो आप खुद सोचो ना अगर उनको लोन मिले तो उनका तभी तो यू नो बिजनेस आगे बढ़ेंगे ना तो इसी के रिलेटेड यह हमें याद करना है एनीवेज आगे बढ़ते हैं हैदराबाद आईएसी ए लैक हैदराबाद लैक बैंगल्स देखो एक्चुअली ना हैदराबाद बेस्ड क्रिसेंट हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस वेलफेयर एसोसिएशन जो है उन्होंने फाइल किया है दैट आप हैदराबाद लैक बैंगल्स को जोग्राफिकल इंडिकेशन दो है ना अभी तक देखो हुआ नहीं है लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ ये अभी बात की जा रही है दैट हाँ लैक जो बैंगल्स है उसको आपको जोग्राफिकल टैग दो इससे फायदा ये होगा दैट ये बैंगल्स की बिक्री ज्यादा बढ़ जाएगी दुनिया भर में हम इसको एक्सपोर्ट प्रॉपर्ली कर सकते हैं और उससे फॉरेन करेंसी को कमा सकते हैं कुछ कुछ जो तेलंगाना से जीआई टैग है तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर डिटेल्स दी गई है अगर बाई चांस अगर आपको देखना है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू इट है ना अब दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल था वुमेन हीरोज इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये सच में आपको एक एक करके बताऊंगा नहीं है ना पहली बात तो दूसरी बात यह है दैट इससे आपको नोट जरूर लेना है क्यों क्योंकि आपको हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा काम देगा जैसे वुमेन हीरोज जो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा काम किए थे एक थी रानी लक्ष्मी भाई सब जानता है जलकारी बाई के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा दुर्गा भाभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा है ना आ, रानी आ, गैदिन लियू के बारे में पढ़ना पड़ेगा रानी चिन्नम्मा के बारे में बेगम हज़रत महल के बारे में वेलू नैचार के बारे में तो ये सब खुद से जस्ट गो थ्रू इट है ना सिंपली कुछ नहीं आपको पॉज कीजिए और अच्छे से पढ़िए इस मेन में नोट जरूर निकाल लीजिएगा दोस्तों यू नेवर नो कैसे आपका क्वेश्चन आ जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं एम कल एम कुछ पूछा गया था चाइल्ड मोर्टेलिटी के रिलेटेड पूछा गया था सबसे पहला था चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया हैज रिड्यूज इन इंडिया सिंस 2014 लेवल्स यस पालन हंड्रेड जो थाउजेंड जो है ये एक नेशनल कैंपेन है पेरेंटिंग ऐप है जिसको डेवलप किया गया चाइल्ड मोर्टेलिटी के, के केस को एड्रेस करने के लिए यस yes.

इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है पहला इट एम्स टू प्रोमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलॉन्ग गंगा रिवर बैंक दूसरा है दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च अंडर द नवी गंगे प्रोग्राम तो आपको बताना कौन सा सही है ओनली ओनली बोथ एंड नॉट दूसरा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जी ट्वेंटी ग्रुपिंग इज इनकरेक्ट पहला है एट्टी फाइव परसेंट ऑफ वर्ल्ड जी है इसका है जी ट्वेंटी समिट इज फॉर्मली नोन एज समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल जी सेवन मेंबर्स जो है ये मेंबर्स है जी ट्वेंटी के और मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो है जी ट्वेंटी का वो अफ्रीका से है तो आपको बताना है दैट इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है ठीक है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखेगा वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप स्पेसिफिकली ये वाले क्वेश्चन का तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग सब सही आंसर दीजिए ठीक है चलिए दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर लिस Thank you very much.